साथियों नमस्कार। हम आज चौथान पट्टी में सिंसाल गांव में हैं। गांव के पंडित हंसा दत्त जी हमारे साथ हैं। हंसा दत्त जी की विशेषता ये है कि उन्होंने पिछले दो शादियों में, उनके घर में जो दो शादियां हुई उसमें प्लास्टिक के डिस्पोजल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है। हम हंसा दत्त जी से जानना चाहेंगे ऐसी क्या वजह है कि वो प्लास्टिक के डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं। पंडित हंसा दत्त जी, हाँ नमस्कार। मैं प्लास्टिक के विषय में ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि प्लास्टिक से पर्यावरण का नुकसान, हमारी ज़मीन या हमारी जो प्राकृतिक संपदा है इसका बहुत नुकसान होना, पर्यावरण को नुकसान होना, पानी का दूषित होना, खेती में जैविक तत्वों का नाश होना, इससे मैं प्लास्टिक का विरोधी, परंपरा से मैं प्लास्टिक विरोधी हूँ। नंबर दो, प्लास्टिक से होने वाली खान पान रहन सहन में जो बीमारियां हैं इससे भी मुझे कुछ ज्ञात हुआ कि इसमें कई बीमारियों का भी संक्रमण होने का संदेश होता है। नंबर तीन, प्लास्टिक से होने वाले अन्न का उत्पादन भी आज जमीन से गिर चुका है। इससे अन्न की जो जैविकता है उसकी गुणवत्ता है वो बहुत कम हो चुकी है। नंबर दो, हमने दो शादियाँ की इसमें प्लास्टिक के ना चलने से मैंने आज तक अपने घर में कम से कम 20 और 30 हज़ार रुपये का फायदा उठाया। नंबर तीन, प्लास्टिक के ना होने से गांव के जो बर्तन थे उनका भी हमारे द्वारा देखे हुए में इनका मेंटेनेंस हुआ, इनकी सैन सफाई की गई। जो पंचायती हमारी संपदा थी उनको देखने वाला कोई नहीं। इन शादी ब्याहों में कम से कम हमने इन चीज़ों को देखा और इनसे सीखा कि ये भी कोई वस्तु हमारे पूर्वजों ने हमारे पास रखे हैं। मैं आगे बाकी पप्पू भाई को यही बोलूँगा कि विश्व पर्यावरण के लिए मैं समस्त विश्व से यही कामना करता हूँ कि देश स्वच्छ तो हम स्वच्छ। जय भारत, जय गंगा माँ। मैं हाँ, पर मैं इतना ही कहूँगा। पंडित जी, आपके घर में फिर से एक शादी होने वाली है आपकी पुत्री कलावती की, तो उस शादी को भी क्या प्लास्टिक डिस्पोजल मुक्त बनाना चाह रहे हाँ हैं? जी, मेरा सपना यही होगा कि मेरी कलावती की शादी जो होगी उसमें मेरे दो चीजों से एक प्रण रखा है। नंबर एक, प्लास्टिक विरोधी। नंबर में दो, शराब का मैं विरोधी रहूंगा। बहुत बढ़िया जी। आप मैं किसी मेहमान को ना शराब पिलाऊंगा ना ही गांव में इस चीज का प्रचलन को होने दूंगा। बहुत बढ़िया। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक मेरी तरफ से पूरे समाज के लिए एक संदेश होना चाहिए। मैं संदेश के रूप में इसको कहना चाहता हूँ, पर मैं यही कहूंगा, बाकी आगे क्या बोलूँ। गांव वालों के लिए आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं गांव वालों के लिए यही निवेदन करूंगा कि मेरी पुत्री की शादी में शराब से मुक्त शादी किया जाए। कृपया शराब पीने का ध्यान न दें, लड़की को लड़की की तरह शांतिपूर्वक शादी को विदा करने का कष्ट करें। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हंसदा जी। आशा है कि जिस प्रकार आपने प्लास्टिक डिस्पोजल का प्रयोग ना करके एक तरफ तो गांव को स्वच्छ बनाए रखा, दूसरी तरफ आपको आर्थिक लाभ भी हुआ, तो इन बातों का गांव वाले भी ध्यान देंगे और वो अपने गांव की स्वच्छता के साथ साथ अपने पैसे भी बचाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।